नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में इन चुनावों की बात करें तो भाजपा को बड़ा झटका लगा, और सबसे बड़ा जो झटका बीजेपी को लगा वो उत्तर प्रदेश में लगा। इस उत्तर प्रदेश की पश्चिमी से या पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से दो बार से लगातार जीत दर्ज कर रहे संजीव बालियान इस बार हार गए। लेकिन संजीव बालियान की हार के तुरंत बाद ही उनके समर्थकों और साफ तौर पर खुद संजीव बालियान ने अपनी हार का जिम्मेदार सरधना सीट से पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम के सर पर फोड़ दिया है। जिस प्रकार से सोमवार को संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करते हुए साफ तौर पर कहा कि संगीत सोम ने ही सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़वाया और उनकी जीत में भी अहम भागीदारी अदा की, ऐसे में मैं पार्टी से आग्रह करता हूं कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई करें। इसके अगले ही दिन मंगलवार को संगीत सोम ने सीधे संजीव बालियान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने अपनी हार का ठीकरा किसी के सर पर नहीं फोड़ा था, बल्कि बालियान ने मेरी यहां पर बड़ा नाम लिया है और अपनी हार को मेरे ऊपर मन दिया है। अब जिस प्रकार से संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद चुनावी परिणाम के बाद भी बढ़ रहा है, इससे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बड़ा अंतर कलह यहां शुरू हो गया है। अब देखना होगा क्या इन दोनों नेताओं के बीच का विवाद यहां पर सुलझ पाएगा या ये और भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि मतदान जिस प्रकार से पहले चरण में मुजफ्फरनगर की 19 अप्रैल को हुआ, उससे पहले चुनाव प्रचार तक करने के लिए केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार से अलग हटकर इन दोनों नेताओं के बीच का विवाद सुलझाने के लिए खतौली भी पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खतौली विधानसभा, खतौली क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों नेताओं के यहां पर बीच दोनों नेताओं के मन में जो एक दूसरे के प्रति बात चल रही थी जानने की कोशिश की और वाद विवाद सुलझाने की भी तमाम प्रयास की, लेकिन अभी भी ये सुलझते हुए नजर नहीं आ रही है। अब क्या इन दोनों नेताओं के बीच का टकराव पार्टी में बड़े अंतर कलह की स्थिति उत्पन्न कर देगा और क्या इससे भाजपा को लोकसभा चुनावों में इस बार नुकसान हुआ और क्या आगे भी नुकसान होगा, ये वाकई में देखने वाली बात अब रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।